वेलकम बच्चों, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी ऑल एब्सोल्युटली फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। देन लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं दुलारचंद दास हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर 1.2। यह क्लास 5 की साइंस बुक है। चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड इट्स ऑब्जर्वेशन, वृद्धि और उसका आंकलन। आइए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। ग्रोथ इज ए नेचुरल प्रोसेस। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। फूड हेल्प्स इन ग्रोथ, प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्रोटीन एंड मिनरल्स। भोजन में ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज होता है, यह हमें बढ़ने में मदद करता है। वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। हमें पता है कि हमारा शरीर लाखों कोशिकाओं से बना हुआ है। दिस सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स अप टू 22 ईयर्स ऑफ एज। 22 सालों तक यह कोशिकाएं टूट टूट कर नई कोशिकाओं को बनाती रहती है। आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग मोर सेल्स देन इट मैक्स। 22 साल के बाद हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं बनती है उससे ज़्यादा नष्ट होती है। दिस इज़ द स्टेज व्हेन आवर बॉडी स्टॉप ग्रोइंग। यह वो स्टेज होता है जब हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट स्पीक, ईट, सीट एंड स्टैंड बट वीप और क्राई। एक नवजात शिशु बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन रो सकता है, चिल्ला सकता है। When a baby feels uneasy, weight and hungry, he cries to communicate his needs। जब किसी बच्चे को कोई समस्या या गीलापन या भूख लग जाता है, ऐसा कुछ महसूस होता है, तो वह अपनी आवश्यकता तक पहुंचने के लिए वह चिल्लाता है, रोता है। Mother also has natural ability to understand the need of baby। माँ के पास प्राकृतिक योग्यता होता है अपने बच्चे की आवश्यकता को समझने के लिए। As we grow, our height and weight increases। जैसे जैसे हमारी लंबाई और वजन बढ़ता है, वैसे ही हम बड़े होते जाते हैं। This increase is highly apparent। यह वृद्धि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। But how can we say that someone's height weight is increasing? लेकिन हम कैसे कह सकते हैं किसी का लंबाई और वजन बढ़ रहा है? Height can be measured with respect to time, while weight can be measured with respect to height of the body। Height को समय समय पर हम लोग माप सकते हैं, जबकि weight को शरीर की लंबाई के अनुसार हम लोग माप सकते हैं। On the basis of measurement, one can say that the height and weight is increasing। इस मापन के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाइट और वेट बढ़ रहा है। हाइट एंड वेट चार्ट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए हाइट और वेट मापने के लिए एक चार्ट दिया हुआ है। उसका क्या वजन होना चाहिए, यहाँ पे बॉय और यहाँ पे गर्ल का दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईयर्स एज दिया हुआ है, 1 ईयर्स का बच्चा का हाइट 76.1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वेट 10.2 केजी वेट दिया हुआ है। इस तरह से गर्ल का भी देख सकते हैं आप, पूरा चार्ट को इसको आप देख सकते हैं। कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष क्या है। वेट इंक्रीजेज विथ हाइट, वजन लंबाई के साथ बढ़ती है। रैपिड ग्रोथ फाउंड इन 1 to 5 ईयर्स, तेजी से वृद्धि होने का समय 1 से 5 साल है। रैपिड चेंजेस इन ऑब्जर्व इन 10 to 12 ईयर्स, तेजी से शरीर में बदलाव होने का समय 10 से 12 साल है। गर्ल्स हाइट एंड वेट इंक्रीज मोर इन 10 टू 12 ईयर्स देन बॉयज, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का हाइट और वेट 10 से 12 साल के बीच में बढ़ता है। गर्ल्स ग्रोथ इज लोअर इन 1 टू 5 ईयर्स देन बॉयज, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का ग्रोथ 1 से 5 साल के बीच कम होता है। हाइट इज मेजर्ड इन इंचेस एंड फीट और सेंटीमीटर एंड मीटर, लंबाई को मापने के लिए हम लोग इंच, फीट, सेंटीमीटर या मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय स्केल और टेप इधर डायरेक्टली, या फिर हम लोग लंबाई को मापने के लिए स्केल या टेप को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और बाय मेकिंग ए ग्रेजुएटेड स्केल ऑन द वॉल। इसके अलावा हम लोग दीवार पे एक स्केल बना सकते हैं और उससे अपनी हाइट माप सकते हैं। वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम थ्रू वेट बैलेंस, वजन मापने के लिए वेट मापने वाला बैलेंस के द्वारा हम लोग अपना वजन माप सकते हैं। दिस मेजरमेंट
helps us to know about growth of the body, and if it is less than normal, doctor should be contacted. इस मापन के द्वारा हमें अपने शरीर के वृद्धि को जानने में मदद मिलती है. यदि हमारा वृद्धि सामान्य से कम रहती है तो हमें किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉर्मल इन हाइट एंड वेट, वी आर डिफरेंट इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हाइट और वेट सामान्य होने के बावजूद भी हम लोग अलग अलग चीज़ों को पसंद या नापसंद कर सकते हैं. फूड, क्लोथिंग, प्ले, इटीसी आर लाइक्ड बाय समवन एंड डिसलाइक्ड बाय अदर वन. भोजन, कपड़े, खेल और कई सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति पसंद करता है, वही चीज़ दूसरा व्यक्ति उसे नापसंद करता है. द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इज डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन एंड मेंटल स्टेटस. पसंद और नापसंद करने की प्रवृत्ति पर्यावरण, परंपरा और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है. द चिल्ड्रेन ऑफ वेजिटेरियन फैमिली लाइक यूजुअली वेजिटेरियन फूड. शाकाहारी परिवार का एक बच्चा सामान्यतः शाकाहारी भोजन पसंद करता है. दे डिसलाइक नॉन वेजिटेरियन फूड ड्यू टू द फैमिली बैकग्राउंड. पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह मांसाहारी भोजन को नापसंद करता है. साउथ इंडियंस लाइक सोर टेस्ट इन ईच फूड ईटन. दक्षिण भारतीय लोग अपने भोजन के सभी आइटम में खट्टा स्वाद खाना पसंद करता है. वाइल गुजराती पुट शुगर इन ईच डिशेस. जबकि गुजराती लोग सभी व्यंजनों में चीनी खाना पसंद करता है. पंजाबी लाइक स्पाइसी फूड. पंजाबी लोग मसालेदार खाना पसंद करते हैं. वाइल नॉर्थ ईस्ट पीपुल लाइक प्लेन फूड. जबकि उत्तर पूर्वी भारत के लोग सादा खाना खाना पसंद करते हैं. हेयर लाइकिंग फॉर समवन इज डिसलाइक्ड बाय अदर वन. यहाँ पर एक व्यक्ति का पसंद दूसरे व्यक्ति के लिए नापसंद हो सकता है. स्वीपर्स क्लीन द स्वेयर्स हैविंग डर्टी स्मेल. सफाई कर्मचारी गंदी बदबू होने के बावजूद भी सफाई करते हैं, गंदगी साफ करते हैं. पासर बाय कवर्स हिज नोज एंड क्रिटिसाइज. बगल से गुजरने वाले लोग अपने नाक बंद करके गुजर जाते हैं और वे निंदा करते हैं. वी शुड नॉट क्रिटिसाइज द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ अदर्स. हमें किसी की पसंद और नापसंद की निंदा नहीं करनी चाहिए. वी शुड कीप आवर माइंड इन नॉर्मल स्टेट. हमें अपने दिमाग को सामान्य स्थिति में रखना चाहिए. वी शुड इन्जॉय म्यूजिक, प्ले गेम्स एंड वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग वेकेशन. छुट्टी के दौरान हम लोगों को संगीत सुनना चाहिए, खेल खेलना चाहिए और टीवी देखना चाहिए. बट इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. लेकिन यही सारी चीज़ें परीक्षा के दौरान हमें प्रतिबंधित रखनी चाहिए. हाउ वी सेंस समथिंग. हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे जानते हैं. सेंस ऑर्गेन गिव्स आउट इन्फॉर्मेशन टू द सेंसरी नर्व्स. ज्ञानेंद्रियाँ संवेदन नसों के द्वारा हमें इसकी जानकारी देते हैं. द सेंसरी नर्व सेंड मैसेज टू द ब्रेन. संवेदन तंत्रिका हमारे दिमाग को संदेश भेजते हैं. द ब्रेन देन प्रोसेस द मैसेज एंड सेंड कमांड थ्रू मोटर नर्व्स टू द बॉडी पार्ट्स. हमारे दिमाग में उस मैसेज के प्रति प्रतिक्रिया होती है, फिर हमारा दिमाग मोटर नर्व्स के द्वारा शरीर के इन अंगों को आदेश देती है. द पार्ट्स रिएक्ट विद द कमांड अवेलेबल. जो आदेश हमारे दिमाग से आती है उसके अनुसार हमारे शरीर के अंग काम करते हैं. इट हैपेंस इन ए नॉर्मल बॉडी. ऐसा एक सामान्य शरीर में होता है. समटाइम्स पीपुल हुज सर्टेन सेंस ऑर्गेन डज नॉट वर्क वाइल सम अदर सेंस ऑर्गेन बिकम्स एक्स्ट्रा एक्टिव. कभी कभी कुछ लोगों में सेंस ऑर्गेन उसका ज्ञानेंद्री किसी कारणवश काम करना बंद कर देता है. वैसी स्थिति में उसका कोई दूसरा सेंस ऑर्गेन अत्यधिक काम करने लगता है. दे आर स्पेशल पीपुल. वे विशेष लोग होते हैं. ब्लाइंड, डेफ, म्यूट, ईटीसी आर स्पेशल पीपुल. अंधा, बधिर, मूक, इस तरह के और लोग विशेष लोग कहलाते हैं. वी शुड केयर एंड पे अटेंशन टू दोज स्पेशल पीपुल. ऐसे विशेष लोगों को हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए. जनरली मेल्स इन फैमिली आर टॉल एंड फीमेल्स आर शॉर्ट. सामान्य रूप से परिवार में पुरुष लंबे होते हैं और महिलाएं छोटी होती हैं. व्हेन द पेरेंट्स आर टॉल पॉसिबली
द चाइल्ड विल बी टॉल बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। जिसके माता पिता लंबे होते हैं यह काफ़ी संभावना होती है कि उसके बच्चे भी लंबे होते हैं, लेकिन यह नहीं भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाई पेरेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ डोमिनेंस। यह उसके माता पिता या अनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है। स्किन कलर, साउंड एंड बिहेवियर आर ऑल्सो जेनेटिक प्रॉपर्टी। त्वचा का रंग, सुनना और दूसरों से बातचीत व्यवहार करना, यह भी अनुवांशिक गुण में आता है। लाफिंग, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, कुकिंग इटीसी वी लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग पीपल इन द फैमिली, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी। हंसना, बालों में कंघी करना, कपड़े पहनना, खाना खाना या खाना बनाना, इस प्रकार के कई काम हैं जो हम परिवार के लोगों को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर या समाज के अन्य लोगों को देखकर सीखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ स्पेशल इंटेंट ऑफ समवन। यह किसी की अपनी विशेष इच्छा होती है। द वे वन एक्ट्स और रिएक्ट्स वन सेल्फ इज नॉन एज बिहेवियर। किसी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना व्यवहार कहलाता है। द पर्सन हु एक्ट्स और रिएक्ट्स विथ गुड थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ समवन इज कॉल्ड वेल बिहेव्ड। कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने अच्छी सोच और अच्छे भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसे अच्छा व्यवहार कहते हैं। देर आर सम फीचर्स हेयर फॉर बींग ए वेल बिहेव्ड पीपुल। यहाँ पर लोगों के कुछ अच्छे व्यवहार को बताया गया है। स्पीक सॉफ्ट टू समवन। किसी से विनम्रतापूर्वक बातें करनी चाहिए। नेवर लाफ लाउडली व्हेन योर एल्डर्स आर देयर। जब आपके सामने या आसपास में आपके परिवार के बड़े लोग उपस्थित हो तो वैसे समय में जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। नेवर क्रिटिसाइज एनी ऑक्यूपेशन स्पेशल पीपल एंड कल्चर। किसी पेशा, विशेष प्रकार के लोग या किसी सभ्यता की कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ओबे द एल्डर्स। हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। थिंक ब्रॉडली। हमेशा अपने विचार हमें उच्च रखना चाहिए। हेलन केलर वाज ए वेरी ब्रेव वूमन। हेलन केलर नाम की एक महिला बहुत ही बहादुर महिला थी। सी बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 1.5 ईयर्स। वह 1.5 साल की उम्र में बधिर और ब्लाइंड मतलब अंधी हो गई थी। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट हर इलनेस बिकम ए कर्स इन हर लाइफ एंड सी लॉस्ट आइज एंड ईयर्स। वह बहुत ही बुद्धिमान थी लेकिन बीमारी उसके जीवन का श्राप बन गया और उसने अपने देखने और सुनने की शक्ति खो दी। बट हर फादर वॉज ए वेरी काइंड मैन। लेकिन उसके पिताजी बहुत ही दयालु व्यक्ति थे एंड अपॉइंटेड ए टीचर टू टीच हर। और उसने अपनी बेटी को सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त कर लिया। सी बिगेन हर स्पेशल एजुकेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हर टीचर। वह अपने शिक्षक की मदद से पढ़ने लिखने की एक विशेष प्रकार की शिक्षा सीखने के लिए प्रारंभ कर दी। सी लर्न ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड स्पेशल टाइपराइटर टू राइट। वह ब्रेल लिपि में पढ़ना और एक विशेष टाइपराइटर में लिखने के लिए सीख गई। सी डिड बी ए इन 1904 एंड बिकेम द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड वूमेन टू अचीव द डिग्री। वह 1904 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास कर ली। इस डिग्री को प्राप्त करने वाली पहली बधिर और अंधी महिला थी। इनका नाम हेलन केलर है। यह एक अंधी और बधिर महिला थी। ये कुछ लिखी हुई कि व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेज अनदर ओपन्स। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि जब ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो वह दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर। लेकिन हम लोग हमेशा बंद दरवाजे को देखते रहते हैं। दैट वी डोंट सी द वन विच हैज़ बीन ओपन फॉर अस। लेकिन हम लोग वो नहीं देख पाते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई नया दरवाज़ा खोल दिया है। आपको अपने पढ़ाई के दौरान इसी सब्जेक्ट में आपको हेलन केलर का कोई पोएम या स्टोरी मिल सकता है। यहाँ पर चैप्टर 1.2 समाप्त हो जाता है और इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ट्रू फॉल्स में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रू सिर्फ बी नंबर का एक ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है।
3 नंबर में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो आइए आप लोगों को मैं इसका सारा क्वेश्चन आंसर बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रोथ? एज वी ग्रो आवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इज हाईली अपेरेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ एंड इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। व्हाई डज ए बेबी क्राई? When a baby feels uneasy, weight or hungry, he or she cries to communicate his needs. What should we do when height and weight is not normal? When height and weight is not normal, we should contact a doctor. What determine likes and dislikes of a person? Environment, tradition and mental state determine likes and dislikes of a person. How do we sense something? We sense something with the help of our sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin. Brain, sensory nerves and motor nerves also help us in this work. Question number 2 में true false था, यहाँ पे true false बना दिया गया है। यहाँ पे B number का सिर्फ true है, बाकी सब false है। Fill in the blanks, fill in the blanks में सारा चीज़ भर दिया गया है। आप question अपने book से देख सकते हैं और इसको यहाँ से भर सकते हैं। Chapter 1.2 पूरी तरह यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हमारे इस वीडियो से आपके पढ़ाई में आपको ज़रा भी मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।